वेलकम टू इन्फो ट्रैवलर गाइस। सो हम आ चुके हैं अभी एसरवड बड़पा के लिए और हम आए हैं बस से, जो कि भाइंदा स्टेशन से हमने बस पिकअप लिया था। बस का वीडियो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए कितना रश था, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको पूरा ट्रैवलिंग एंड ऑल उसका दिखाया नहीं। लेकिन 20 रुपीज़ चार्जेस होता है भाइंदा स्टेशन से तुम्हें यहाँ पर आने के लिए। तो हम आ चुके हैं अभी, काफ़ी रश था लेकिन ठीक है। तो अभी आपको दिखाना है, तो हम आ चुके हैं अभी यहाँ पर और हम जा रहे हैं अभी एसलवर्ड बर्ड पार्क के लिए। तो गाइस आपको बता दूँ, ये देखो एसलवर्ड जो दिख है वही एंट्रेंस पे ही तुम्हें साइड में बर्ड पार्क करके बनाया हुआ है। तो हम आज जाएंगे एसलवर्ड बर्ड पार्क। सो इसका कुछ चार्जेस वगैरह हो जो भी हो मैं आपको बता दूँ, 390 रुपीज़ एडल्ट के लिए है एंड 290 रुपीज़ चिल्ड्रंस के लिए है। एंड ये देखिए बर्ड पार्क का एंट्रेंस कुछ इस तरह दिखता है और यहाँ से तुम्हें एंट्री मिलेगी एंड यहाँ से तुम्हें टिकट वगैरह जो है वो मिलेगा। सो हमने तो हमारा टिकट ले लिया है एंड अभी हम एंट्री करेंगे। सो चलते हैं आगे, चेक करवाते हैं एंड देखते हैं आगे क्या क्या है एसलवर्ड बर्ड पार्क के अंदर। सो गाइस हमने एंट्री कर दिए एंड अभी हम घूमेंगे एसलवर्ड बर्ड पार्क। गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बर्ड पार्क काफ़ी मैंने यूट्यूब पे भी मैंने खुद ने भी वीडियोस देखे थे एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे 3 आवर्स 2 आवर्स जो भी ये लग जाते हैं। सो मैं आपको एक सजेस्ट कर दूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हारा जो भी शेड्यूल है वो प्रॉपर बना के आओ। यहाँ पे अगर तुम बर्ड लवर हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेस्ट प्लेस है, अदरवाइज तुम ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें अगर बर्ड से प्यार नहीं है तो फिर तुम आके यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। क्योंकि बर्ड पार्क है, यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स तुम्हें मिलेंगे, 17 टाइप्स ऑफ बर्ड्स अवेलेबल है यहाँ पर एंड 120 टाइप्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल है यहाँ पर। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पे अच्छा, मैं भी बर्ड लवर हूँ एंड जो भी यहाँ पे जो बर्ड का साउंड्स एंड जो भी रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में। एंड नहीं बोल के मैं यहाँ पे 3 to 4 आवर्स स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है बर्ड पार्क है, बहुत छोटा यहाँ पर लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। एंड देखिए साउंड्स काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो तुम भी आओ यहाँ पे, काफ़ी मज़े आएंगे तुम्हें, मज़े हो गए तुम्हारे। लेकिन गाइस यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे बर्ड फीडिंग भी होता है, बर्ड प्रेजेंटेशन भी होता है। सो दोनों का टाइमिंग कुछ अलग है और दोनों दिन में 2 ही बार होता है। तुम बर्ड फीडिंग की बात करोगे तो वो कितने बजे, 11:30 को होता है और एक होता है 3 PM को होता है। एंड अगर तुम बर्ड प्रेजेंटेशन की बात करोगे तो 1 PM को एंड एक 4 PM को होता है। तो उसके नियर बाय तुम आओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना होगा यहाँ पर और काफ़ी बेटर होगा यहाँ पे अगर तुम उस टाइम पे आओगे। अरे देखो वुड पैकर स्टेडियम जो अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन जो होता है बर्ड प्रेजेंटेशन वो यहीं पर होता है, काफ़ी अच्छे से ये लोग ने मेनटेन किया हुआ है। यहाँ पर तुम बैठ के उनका जो भी प्रेजेंटेशन है वो देख सकते हो, मे भी आपको बर्ड प्रेजेंटेशन दिखा होगा लास्ट में जो भी मेरा जाने का टाइम होगा, 4 बजे के आसपास में दिखा होगा आपको। तो अभी तो कुछ इस तरह दिखता है स्टेडियम एंड आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है बर्ड्स एंड ऑल, जो भी हम भी फीडिंग वगैरह भी करेंगे, बर्ड फीडिंग जो बोलते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्लेस, लेकिन पैसे से ज़्यादा मनी वाइज बोलोगे तो कॉस्ट ज़्यादा है, 400 रुपीज़ ऑलमोस्ट गिरता है एडल्ट का। लेकिन गाइस मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस ब्लॉग्स देखा रहेगा जो भी है वाटर किंगडम का, जिसमें मैंने पासपोर्ट नेक्स्ट करके लिया था, जिसमें मुझे 2 टाइम्स वाटर किंगडम एंट्री एंड 1 टाइम एसलवर्ड बर्ड पार्क का एंट्री मिला था। तो मुझे तो 400 पे नहीं करना पड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट यू कैन से 1400 में मुझे 1 टाइम वाटर किंगडम मेरा हो चुका है, अभी एसलवर्ड बर्ड पार्क भी हो जाएगा और एक बार मैं जाऊँगा वाटर किंगडम में, तो मेरे लिए तो वर्थ है, वाह काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। तो तुम भी आओ अगर तुम जैसे मैंने बताया था आपको वाटर किंगडम के वीडियो में व्लॉग में कि ऐसा पासपोर्ट नेक्स्ट लेना कितना अच्छा है और आपके लिए काफ़ी सेविंग भी होगी आपकी, तो तुम आके पासपोर्ट नेक्स्ट लेके यहाँ पे जो भी इंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी अलग अलग बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर और अभी तो फ़िलहाल पिंजरे में है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे जब भी बर्ड फीडिंग होता है
वो टाइम पे काफ़ी बर्ड्स तुम्हें ऐसे ही लाइक यहाँ पे जो वॉक कर रहा हूँ मैं वहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे। क्योंकि और यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम पिंजरा जो भी पिंजरे में है तो बाहर नहीं आ सकते, वो लोग बाहर भी आते हैं लेकिन इनका जो भी जो पिंजरा बोलते हो काफ़ी बड़ा रहता है, तो वो लोग मोस्टली अंदर ही रहते हैं लेकिन फीडिंग जब भी होता है तभी वो टाइम पर वो लोग बाहर आ जाते हैं। आपको आगे दिखा होगा नेक्स्ट जो भी है कैसे हम लोग बर्ड फीडिंग करेंगे एंड जो भी है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो काफ़ी बर्ड्स है यहाँ पर, काफ़ी अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिटरली ये जानना है कि वैसल वर्ड बर्ड पार्क बर्थ है या नहीं है तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। अगर तुम बर्ड लवर हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अदरवाइज वर्थ नहीं है जो मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर खाली बर्ड्स ही मिलेंगे और तुम बर्ड्स लवर ही नहीं हो तो फिर आके कुछ मतलब नहीं है, 400 तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम बर्ड लवर हो तो आई थिंक वर्थ होगा, लेकिन फिर भी जो बर्ड लवर है उनके लिए भी क्या मतलब कैसा यहाँ पर सिस्टम है, कैसे मेंटेनेंस है, क्या है जो भी हो, मैं आपको आगे पूरा एंड तक दिखाऊंगा। सो फिलहाल तो तुम बर्ड्स के साउंड्स का और बर्ड्स को देख के इंजॉय कीजिए, फील कीजिए मेरे साथ वर्चुअली तुम। ये देखिए सुपर सुपर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका तो मैं वीडियो लेना चाह रहा हूँ ये देखिए, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अगर मोबाइल थोड़ा आगे और किया तो मेरे मोबाइल पे ही ये मतलब जो चांच रहती है उसे मारेगा। तो ये देखिए जो मैंने बताया था वॉक करते वहीं पे बर्ड्स आ जाते, ये देखो यहाँ पे भी तुम फोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हो, रील जो बोलते हैं इंस्टा रील्स, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड देन यहाँ पर तुम रील वगैरह जो भी अच्छे बना सकते हो, फिर फोटोग्राफी भी अच्छी आती हो रही। देखिए शाहमुख जो बोलते हैं काफ़ी बड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा, लिटरली मैंने काफ़ी जू वगैरह में भी गया हूँ, यहाँ वहाँ पे देखा है मैंने काफ़ी सारे शाहमुख को, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा और काफ़ी अच्छा यूनिक था, सो काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए काफ़ी बर्ड्स तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो तुम वॉक करने के टाइम पे भी तुम्हें दिख जाएंगे। तो चलो अभी ज़्यादा देर न करते हुए हम अभी आगे जो भी इनका शॉपिंग वगैरह जो बोलते हैं वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग आगे, एंड काफ़ी अभी तो लाइक 3 बजे का टाइमिंग है बर्ड फीडिंग का और हम लोग काफ़ी जल्दी है, तो थोड़ा वहाँ पे एसी का बैठने के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ है शॉप के अंदर ही, दो लाइक कुर्सी वगैरह जो सोफ़ा वगैरह बोलते हैं वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम वहाँ पर जाके थोड़ा बैठेंगे एंड जो भी शॉपिंग मतलब शॉप में क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाएगी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा बर्ड, खूबसूरत सा बर्ड दिख रहा है यहाँ पर। काफ़ी सारे खूबसूरत बर्ड्स हैं। तो जो मैंने आपको बर्ड्स का बोला था फीडिंग का, तो यहाँ पे चालू हो चुका है, 3 बज चुके, और ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है उनकी जो हमें फॉलो करना होता है, और इसका अलग से चार्ज किया जाता है गाइस 100 रुपीज़, जो कि 2 मिनट्स मैक्स होता है, 2 to 3 मिनट्स मैक्स होता है, आपको अंदर जाने देंगे और आपको जो बर्ड फीडिंग होता है वो करने मिलेगा।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उसका भी। तुम आओ, यहाँ पे आओगे और ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ वर्थ ही नहीं रहेगा। मैं अभी भी आपको ये चीज़ भी एडिशनली बता देता हूँ कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो बर्ड फीडिंग करो तो काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। वो रे देखिए, बर्ड फीडिंग के टाइम पे काफ़ी सारे बर्ड्स तुम्हें आउटसाइड द जो केज बोलते हैं उसका यहाँ पे दिखने मिलेंगे, काफ़ी सारे बर्ड्स हैं ये देखो यहाँ पे। तो मैंने आपको लाइक जो शॉपिंग था वो तो बताया नहीं था, तो हम यहाँ से ही एग्ज़िट भी करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट का भी होता है, लेकिन हमें बर्ड प्रेजेंटेशन वो भी बाकी है तो वो भी आगे बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ जो शॉप है उनका कैसा है। यहाँ पे सोफ़ा है जो यहाँ पे मैं बैठा था थोड़े टाइम के लिए, फुल एसी रहता है, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, यहाँ पे आराम से तुम बैठ सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो तुम चाहे तो बाय भी कर सकते हो। सुपर, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारा आइटम्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चाहिए तो बाई कर सकते हो। लाइक ग्लासेस हो गया, देन वाटर बॉटल्स भी यहाँ पर है, मग वगैरह भी है यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ है, पेंटिंग्स एंड ऑल जो भी है तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। फिर तुम्हारा फोटोज़ वगैरह अगर खींचना है अलग से तो उसका भी कुछ अलग से चार्ज किया जाता है, तो तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। उसका भी कुछ रेटिंग इस तरह है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ रेटिंग्स इस तरह है इसका, देख लीजिए, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ इसका काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। एंड अगर तुम्हें पेंटिंग्स या टी शर्ट वगैरह भी कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। ओयो, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, लेकिन प्राइस वाइज मैं अभी भी आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, लाइक 400 रुपीज़। बट अगर तुम जैसे मैंने किया था वाटर किंगडम प्लस एसएलवर्ड बर्ड पार्क, तो काफ़ी सस्ता गिरता है और काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम दोनों का मज़ा उठा सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बर्ड प्रेजेंटेशन के लिए। एक कुछ गाइडेंस यहाँ पे देते और कुछ बताते क्या क्या है यहाँ पर, वो बताइए अपने को। तो ओवरऑल 20 मिनट्स का बर्ड प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर, जिसमें आइंस्टाइन, देन किंग्स जो बादशाह बोलते हैं वो यहाँ पर बर्ड्स लेके आते हैं, फिर देन शाहमुख का जो एग रहता है वो यहाँ पे लेके आते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए एग आ चुका है यहाँ पर। एंड काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन देते जो लाइक तुमने पहले कभी सुना नहीं रहेगा, जो पता नहीं रहेगा तुम्हें, तो यहाँ पे तुम्हें अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट ये होता है, तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे बर्ड्स रिलेटेड। ये देखिए इतना बड़ा है ये यहाँ पर। एंड गाइस अगर तुम यहाँ पर कैसे आ रहे हैं एस एल बर्ड पार्क में, तो मैं तो अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, मैं भाइंदर वैसे बस लिया था, जो कि एस एल वर्ड और पगोड़ा की बस आती है, वो आपको पिक ड्रॉप करेगी यहाँ पर एस एल वर्ड, एंड उसका 20 रुपीज़ चार्जेस किया जाता है। और अगर तुम्हें फेरी से आना है तो तुम बोरीवली से आ सकते हो, उसका जो भी कैसे आना है मतलब कहाँ से तुम ऑटो ऑटो लोगे, फेरी कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैंने मेरे वाटर किंगडम के व्लॉग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो तुम चाहे तो वो वीडियो जाके देख लो, तो तुम्हें उससे भी पता आइडिया आ जाएगा कि कैसे आना है फेरी से। तो इसके लिए इस टाइम मैं आया हूँ बस से, और तुम यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, एंड तुम ऑटो से भी आ सकते हो, लेकिन अगर तुम बजट ट्रैवलर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम बस से आओ, लेकिन बस में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। गाइस कुछ इस तरह का हमारा बर्ड पार्क का जर्नी था, काफ़ी अच्छा था। अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूले, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा। बाय।